Hi, today we are going to learn programmable logic devices. और उस programmable logic devices में especially हम programmable logic array को discussion करेंगे. तो अभी तक अगर आपने देखा होगा कि जो आपने AND, OR, gate ये सब use करते हैं, ये सब fixed IC हैं, जिनका functionality defined है. या फिर multiplexer है, comparator है, तो सबका जो है ये fixed IC हैं, इनकी functionality defined है. बट जो प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइसेस होती हैं वो स्पेशल पर्पस के लिए यूज होती हैं. तो प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइसेस जो है क्लासिफाइड की गई हैं, जैसे प्रोम में प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरीज, प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे, प्रोग्रामेबल एरे लॉजिक, ऐसे ही आपका FPGA और CPLDs है. तो प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे क्या करता है कि आपको एक सर्किट बना के देगा जो स्पेशल पर्पस के लिए ले रहेगा. जैसे इसमें एक क्वेश्चन है कि कॉम्बिनेशन सर्किट इज डिफाइंड बाय, ये आपका इस F1 और F2 से डिफाइंड है. तो इंप्लीमेंट दिस सर्किट विथ प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे हैविंग 3 इनपुट एंड 2 आउटपुट. तो ये दो आउटपुट हो, और क्योंकि इस 3 इनपुट के बेस पे है तो इट्स मीन ABC वेरिएबल्स F1 के लिए यूज होंगे. तो जब हम PLA के थ्रू इसे इम्प्लीमेंट करेंगे, एक्चुअली PLA में आपका AND भी प्रोग्रामेबल होगा, जो AND गेट होगा, और OR गेट भी प्रोग्रामेबल होगा. तो ये प्रोग्रामेबल वर्ड जो है एक्चुअली जो हम C++ प्रोग्रामिंग करते हैं उससे डिफरेंट है. इसे हम सिर्फ इस सर्किट को इस तरीके से अरेंज करेंगे कि वो आपको ये दोनों आउटपुट दे सके. सो PLA इट इज अ टाइप ऑफ फिक्स्ड आर्किटेक्चर लॉजिक डिवाइसेज विथ प्रोग्रामेबल AND गेट्स फॉलोड बाय प्रोग्रामेबल OR गेट्स. इट्स मीन जैसे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम इसमें इनपुट देंगे, तो यहाँ 3 इनपुट देंगे, तो एक इनपुट बफर प्रिपेयर होगा. तो इनपुट बफर में हम क्या बात करेंगे, जो इनपुट देंगे और उसके NOT को भी. इट्स मीन अगर हम A इनपुट दे रहे हैं तो इसका NOT और ये इटसेल्फ दोनों की हम बात करेंगे इनपुट बफर में. ठीक है, तो इस सिंबल का मीनिंग है कि ये ए एज आउटपुट है, ऐसा का नॉट होकर के आउटपुट है. इसको दैट इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू आपका कुछ इस तरीके से, मतलब यहां ए नॉट और यहां ए. और उस इनपुट बफर को जो है हम AND गेट में अरेंज करेंगे, और AND गेट अकॉर्डिंग टू जो आपकी रिक्वायरमेंट है. और फिर लास्ट में, क्योंकि वो मिन टर्म्स आपके, जैसे ये मिन टर्म्स क्या है, और के फॉर्म में रहेंगे, तो उसको और गेट में इस तरीके से अरेंज करेंगे कि वो हमें एज्यूम होगा कि वो प्रोग्रामेबल है और ये दोनों आउटपुट हमें जनरेट करके देगा. अब इसको हम सॉल्व करते हैं. तो ये हमसे कहा गया कि ये कॉम्बिनेशनल सर्किट जो है इम्प्लीमेंट द सर्किट विथ PLA. तो इसको इम्प्लीमेंट करना है इम्प्लीमेंट विथ PLA. इसमें हमें एक सर्किट बनानी है जो इन दोनों को आउटपुट देगा. तो इसका के मैप बना लेते हैं. तो के मैप कैसे बनेगा, क्योंकि 3 वेरिएबल हैं, तो आपके 8 आउटपुट होंगे, 2 की पावर 3. और ये क्या होगा, 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1. और 3 5 7 पे है तो 1 2, यहाँ पे 3 4. ठीक है, और तो F1 का हम देखें कहाँ कहाँ जाएगा. हाँ, 0 1 2 3 ऐसे चलता है. 0 पहला होता है, फिर 1, फिर 2, फिर 3. तो एक 1 यहाँ आएगा 3 पे, फिर 4 5 6 7, तो 7 पे है और 5 पे है. तो अगर हम 0 किसको रिप्रेजेंट करता है, A कॉम्प्लीमेंट को और 1 A को, ऐसे यहां भी 0 B कॉम्प्लीमेंट और 1 जो है B को रिप्रेजेंट करेगा. तो अब अगर इसका हम सॉल्यूशन निकालें तो यहां से ग्रुपिंग होगी और यहां से मिलेगा क्या हमें, BC, और प्लस यहां से ग्रुपिंग होगी और हमें क्या कॉमन मिल जाएगा, एक तो C दूसरा A, दैट इज AC. और F2 का के मैप निकाल देते हैं. तो के मैप क्यों निकाल रहे हैं इसका, ताकि हम जो है इस जो हम आपको इक्वेशन दिया गया है सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में, इसको आप मिनिमाइज कर सकें,
ताकि वो जो सर्किट हम प्रोग्रामेबल लॉजिक सर्किट बनाएंगे तो वो मिनिमाइज रहेगा, तो हम रिपीटिशन को रिमूव कर सकते हैं। तो इसको मैं 4, 5, 7 पे है, तो ये 4, ये 5 और 7 पे, तो इसका हम वो कर लेते हैं ग्रुपिंग, 2 की ग्रुपिंग करेंगे तो इन दोनों की, और फिर इन दोनों की ग्रुपिंग करेंगे तो F2 हमारा क्या हो जाएगा, ए बी का कॉम्प्लीमेंट प्लस ए सी। अब हमारे पास कितने प्रोडक्ट टर्म हैं टोटल, एक बी सी है, एक ए सी है, ए सी यहाँ भी रिपीट है तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे, और इसको ए बी कॉम्प्लीमेंट, मतलब 3 प्रोडक्ट टर्म हमारे पास, यूनिक 3 प्रोडक्ट टर्म है। अब हम प्रोग्रामेबल लॉजिक सर्किट बनाते हैं, तो पहले इनपुट बफर बनाएंगे, तो इनपुट बफर के लिए हमारे पास इनपुट कितने हैं 3, तो ए बी और सी इनपुट हैं, तो इनपुट बफर बनाने के लिए ये और इसका कॉम्प्लीमेंट दोनों हमें यूज करना है, तो हमने इस तरीके से लिख लिया, ये ए है और ये ए का कॉम्प्लीमेंट है। इसी तरीके से जब बी लिखेंगे तो ये बी है और ये बी का कॉम्प्लीमेंट है। इसी तरीके से सी लिखते हैं, ये सी है और ये सी का कॉम्प्लीमेंट है। अब हम एंड प्रोग्रामेबल एंड बनाएंगे, तो प्रोग्रामेबल एंड में हमारे पास यूनिक टर्म 3 यूनिक टर्म्स हैं, तो 3 एंड गेट हमें रिक्वायर्ड है, तो 3 एंड गेट बना लेते हैं, ये 3 एंड गेट है, और ये 3 एंड गेट के कनेक्शन क्या है, एक तो आपका क्या है बी सी है और एक ए सी है और एक ए बी का कॉम्प्लीमेंट है, तो ए बी का कॉम्प्लीमेंट कहाँ से आएगा, ए यहाँ से, ठीक है, और बी यहाँ से, तो इन दोनों को हम किससे कनेक्ट कर देते हैं, इससे से, तो हमारा ये क्या हो जाएगा ए बी का कॉम्प्लीमेंट। और दूसरा आपका क्या है बी सी और ए सी, तो ए सी कहाँ से आएगा, एक तो इसका ए यहाँ से आएगा और सी यहाँ से आएगा, तो इसको हम क्रॉस करते हैं, मतलब जहाँ क्रॉस है इसमें कनेक्शन है, तो यहाँ ए सी आ गया, और बी सी के लिए बी यहाँ से आएगा और सी यहाँ से आएगा, सॉरी ये जो है सी कॉम्प्लीमेंट को है, ये सी यहाँ से आएगा, ये सी की लाइन है और ये सी कॉम्प्लीमेंट की, ये बी कॉम्प्लीमेंट की लाइन है, ये बी की, ये बी की, ये बी कॉम्प्लीमेंट की, और ये ए की, ये ए कॉम्प्लीमेंट की, सॉरी फॉर इंटरप्शन। तो इस तरीके से ए सी बी सी आप कनेक्ट कर लेंगे। अब हमें और प्रोग्रामेबल और बनाना है, तो प्रोग्रामेबल और अगर हम आप इक्वेशन देखें तो बी सी प्लस ए सी, बी सी प्लस ए सी जो है आपको किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो एफ वन को, तो बी सी और ए सी इसको हम और से कनेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे, और दैट इज एफ वन, और ए बी का कॉम्प्लीमेंट और ए सी मतलब ये दोनों, इसको और से कनेक्ट कर देते हैं और ये रिप्रेजेंट करेगा एफ टू। तो ये आपकी पीएलए सर्किट है इस जो है पर्पस के लिए, मतलब जो क्वेश्चन है कि कॉम्बिनेशनल सर्किट इज डिफाइंड बाय द फंक्शन एफ वन एफ टू एंड इम्प्लीमेंट द सर्किट विथ पीएलए हैविंग 3 इनपुट्स, क्योंकि इसमें ए बी सी 3 इनपुट्स हो सकते हैं, एंड 3 प्रोडक्ट टर्म्स एंड 2 आउटपुट्स, अगर आप इसको मिनिमाइज करें तो यूनिक 3 प्रोडक्ट टर्म्स आए हैं, तो हम एंड 3 एंड यूज किए और 2 और यूज किए तो हमें आउटपुट एफ वन एफ टू मिला। सो दिस इज प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे। इसमें प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे में मेन चीज क्या थी, एक तो इसका एंड गेट और आर गेट दोनों प्रोग्रामेबल है, दोनों किसी न किसी लॉजिक से कनेक्टेड है, और ये फिक्स आईसी की तरह नहीं है जो एक स्पेशल पर्पस के लिए यूज होती है, आप किसी और भी फंक्शन के लिए ये प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे बना सकते हैं, मतलब अगर आपको एफ वन एफ टू एफ थ्री एफ फोर गिवेन हो तो भी आप बना सकते हैं, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ एंड गेट कितने यूज होंगे, जितने यूनिक मिन टर्म्स होंगे, इसमें जितने भी जैसे यूनिक मिन टर्म्स कितने थे 3, और टोटल नंबर ऑफ इनपुट जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स होंगे। ओके, थैंक यू।